हेलो दोस्तों, तो आज की रेसिपी है छोले मसाले। तो छुट्टी का दिन हो और छोले राइस ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ये देखिए छोले में कितना परफेक्ट कलर आया है। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो छोले जो है हमने ओवरनाइट भिगो के रख देने हैं, तो 2 से 3 बार वॉश करके कुकर में ले लेंगे। साथ ही डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग। इसके साथ ही नमक डालेंगे और यहाँ पे चाय पत्ती का पानी बना लेंगे और उस पानी को हमने यहाँ पे कलर के लिए ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 विसल लगा लेनी है और उसके बाद प्रेशर कुकर को ठंडा होने देना है। तो ये देखिए छोले जो है बिल्कुल अच्छे से पक चुके हैं। तो इसे रखेंगे साइड में, ऑयल गरम कर लेंगे, जीरा डालेंगे, इसके साथ ही इसमें एक हरी मिर्च हम डाल देंगे, एक बड़े साइज़ का हमने प्याज ले लेना है और उसे ऐसे बारीक से बिल्कुल चॉप कर लेना है। तो प्याज को भी हमने अच्छे से भून लेना है। तो प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए हमने प्याज को ऐसे ही अच्छे से भून देना है। ये देखिए, तो जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी हमने इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर लेना है, उसे भी अच्छे से चॉप कर लेना है हमने बिल्कुल बारीक, और इसे भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर देना है ताकि जो हमारे टमाटर है वो नीचे से जल ना जाए। तो ऐसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। थोड़ा सा टमाटर गल गए हैं हमारे, तो इसके साथ ही हमने यहाँ पे जो है मसाले भी ऐड कर देने हैं। ये देखिए, तो मसालों में लेंगे नमक, इसके साथ ही हम यहाँ पे लेंगे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और 1 बड़ी चम्मच छोले मसाला जो आता है वो। तो इनको मिक्स करेंगे। साथ ही कस्तूरी मेथी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, इनको भी अच्छे से हमने मिक्स करना है। तो अब मसालों को तब तक हमने पकाना है जब तक मसाले अच्छे से तेल ना छोड़ दें। तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो ये देखिए मसाले जो है तेल छोड़ने लग गए हैं, तो मसाले बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे अब हम अपने छोले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे छोले हैं वो भी हमने इसमें डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे हमने इसे उबाल आने देना है। तो यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा घी, हींग डालेंगे, थोड़ा सा हमने यहाँ पे अदरक डाल देना है और एक हरी मिर्च हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो बस तड़का लगा देंगे और गैस का फ्लेम भी ऑफ कर देंगे। साथ ही इसे धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ी देर हमने इसे 5 मिनट ढक के ऐसे ही रख देना है। तो गैस का फ्लेम भी हमने साथ ही साथ ऑफ कर देना है। ढक के इसलिए रख देना है ताकि जो इसका स्वाद है वो छोलों में अच्छे से परफेक्ट तरीके से बैठ जाए। तो बस यहाँ पे जो हमारे छोले हैं वो बनके बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, तो गर्मा गर्म सर्व करें और इन्जॉय करें। बाय बाय।